देखिए दोस्तों, ये प्रेमना का प्लांट है जो अब धीरे धीरे फॉर्म में आ रहा है। वायर मार्क्स सब गायब हो रहे हैं जो पहले के थे। हेवी वायर मार्क्स लगभग गायब ही हो चुके हैं, और हमने जो कैरेक्टर बनाने की कोशिश की उसमें भी हम सक्सेस हुए हैं। ये लोअर ब्रांच पतली थी, उसको कितनी मोटी कर दी है, क्योंकि फर्स्ट ब्रांच मोटी होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ अनवांटेड क्रॉस हो रहा है, उसको निकालते हैं। तो ये मोटी, इससे छोटी ये, इससे छोटी ये करके मैंने एक बनाया है, और अब ये शेप में जैसे आ रहा है। अब यहाँ क्या करना होता है हमें, इस तरह जो अनवांटेड ब्रांचें होती है वो निकालते रहना है। प्रेमना एकदम घना हो जाता है तो हमें बच के रहना है उस चीज़ों से। जैसे बहुत ज़्यादा कहीं से भी ब्रांच निकलती है तो उसको निकालते रहें। और एक प्लांट है कि कैरेक्टर में दिखे, ऐसा हमें डिजाइन करना है दोस्तों। आउट ऑफ द जो होता है नेचर, उसको हमें नहीं निकलने देना है, या फिर कैरेक्टर के बाहर का कुछ निकल आए तो उसको हमें निकाल देना है, और एक स्ट्रक्चर में लुक में नज़र आना चाहिए। बट एक सवाल आया था दोस्तों कि आप इतने सारे कर्वेचर क्यों देते हो प्लांट में, ऐसे नेचर में तो नहीं दिखाई देता। नहीं दिखाई देता तो फिर आप क्यों ऐसा बना रहे हैं? तो मैं दोस्तों यहाँ भी देख सकते हैं, आप देखिएगा, यहाँ मैंने एक्स्ट्रा कर्वेचर लिया है, यहाँ तो पूरा टर्न कर लिया है, और ये देखिए, इसकी वजह से कुछ यहाँ रिवर्स टेपर वगैरह कुछ हुआ नहीं है। और मैं सिंपली प्लांट डिजाइन करता तो किसी का ध्यान भी नहीं जाता, ये एक बहुत ही फॉर्मल सी बात हो जाती। ये एक इनफॉर्मल स्टाइल का एक प्लांट है, ऐसा लोग सोचते। बट मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की है, भले ही नेचर में ना हो। मेरा मानना है कि ये जब फ्यूज हो जाएगा और एक नेचुरल फ्लो लाइन दिखेगा तब अच्छा लगेगा। एक दूसरे प्लांट में भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ मैंने लिया था एक साफ टर्न, और लगभग ये फ्यूज होना स्टार्ट भी होने वाला है। तो ये सब एक फ्यूज जैसा हो जाएगा तब ये कुछ अलग दिखेगा। ये अलग नहीं होगा, पर एक ही स्टेम है, ऐसा कुछ दिख सकता है। और फ्लो लाइन में जब दिखेगा तो वो एक कुछ अलग ही नजर आएगा। तो इसी सोच के साथ मैं प्लांट डिजाइन करता हूँ, कुछ तो अलग होना चाहिए औरों से, तभी जाके हमारे प्लांट नोटिस किए जाएंगे। नहीं तो प्लांट लाखों लोग बना रहे हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं, उनमें अलग करना कुछ, वो कुछ अलग है दोस्तों। देख सकते हैं ये प्लांट, और इसमें एक चीज और ऐड करने वाला हूँ मैं, जो हमारे यहाँ नहीं किया जा सकता, वो भी शायद आप लोगों को अलग लगेगा। तो यहाँ मैं जो कुछ भी करने वाला हूँ वो आज तक हमारे इंडिया में तो कहीं नहीं देखा होगा किसी ने, और देखा भी हो तो आप मुझे बताइए। तो यहाँ मैं कुछ अलग चीज करने वाला हूँ। तो यहाँ नेबरिस वगैरह तो ठीक ठाक डेवलप है, जैसे नेचर में होता है, बट कुछ कैरेक्टर चाहिए हमें इस प्लांट में, वो नहीं है, इसलिए मैं यहाँ कुछ कट्स लगाने वाला हूँ मेन स्टेम में, जिससे प्लांट में कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो। ऐसा कुछ प्लांट में मैंने देखा है कि कुछ इस तरीके से प्लांट को कुछ डार्क निकाल दी जाती है इस तरीके से। तो ये मेरा हैंड कार्विंग किया हुआ एक नाइफ है, खुद ही का बनाया हुआ, सब चीज ट्राई करता हूँ मैं। तो इस तरीके से मैं उसको सील देता हूँ। तो यहाँ हीलिंग वगैरह होगा तो क्या होगा, यहाँ थोड़ा मोटाई बढ़ जाती है प्लांट में, मोटा हो जाता है थोड़ा प्लांट यहाँ हीलिंग वगैरह की वजह से। तो एक्स्ट्रा हमें यहाँ टेपर दिखाई दे सकता है, तो इस तरह रेडियली हमें वर्क करना है। अब ये नेचुरल टेक्सचर आने लगा है इस प्लांट के स्टेम में, ये फुटाव जो देख रहे हैं वो सब आने लगा है, तो उसके चलते हम यहाँ कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इस तरह से कहीं कहीं रेडियली सील लेने वाला हूँ प्लांट को, जिससे यहाँ कुछ अलग डेवलपमेंट हो। कब से करना चाहता था बट आज मौका मिला है, तो कुछ अलग तो करना ही है, औरों से अलग दिखेंगे तभी लोग नोटिस करेंगे, नहीं तो हम कहीं खो जाएंगे दोस्तों।
यहाँ जो कुछ भी है, मैंने मेरा नाम भी अलग है, माई बोनसाई आर्ट मेरे चैनल का नाम है, या मेरे जो मैं क्रिएट करता हूँ वो उसी नाम से मैं रखता हूँ, तो वो भी अलग है, क्योंकि मैंने यहाँ दोस्तों खुद ही एक्सपीरियंस करके सीखा है बहुत सारी चीज, तो फिर मैंने नाम दिया हुआ है ये माई बोनसाई आर्ट करके। ऐसा आपको कहीं दिखने को नहीं मिलेगा, कुछ अलग है, मैंने खुद से कुछ सीखा है, तो मैं और कहीं से भी सीखता हूँ तो मेरे लेवल पे कुछ उसमें करने की कोशिश रहती है मेरी, पहले ही बुरा हो या अच्छा हो पता नहीं, पर मैं अपने आप ही कुछ से अलग से मेरे लेवल पे करने की कोशिश करता हूँ। कॉपी टू कॉपी हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसके जैसा या उससे बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। सब जगह काम होता है मेरा, यानी सब लेवल पे, यानी पॉट्स भी मैं बनाता हूँ, प्लांट्स भी डिजाइन करता हूँ, पेंजिन भी बनाता था, पर अब जगह की वजह से अभी नहीं बनाया है बहुत दिनों से, बट सब जगह ट्राई करता है, इसी प्राक को भी मुझे निकाल देना होता है, तो यहाँ कैसा डेवलपमेंट होगा उसकी आधार पे मुझे वर्क करना है, और यहाँ जो हीलिंग होगा उसके बाद कैसा लुक मिलता है, और ये जो मैं एक्स्ट्रा जो चीजें निकालता हूँ यहाँ वाइंडिंग इस तरह के, उसकी वजह से मुझे कोई यहाँ ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, या ड्रॉबैक्स यानी उसका जो नुकसान मैं नहीं देख पा रहा कहीं भी, कि इसकी वजह से यहाँ कुछ अलग डेवलप हो गया है, कुछ एकदम से अलग लग रहा है, ऐसा कुछ मैंने ऑब्जर्व नहीं किया है अब तक, और ओवरऑल जो चीज़ें होती है वो इस तरह से प्लेस करता हूँ कि ये एक नेचुरल चीज लगे दोस्तों, या जो ट्रेडिशनल मेथड है उसी के हिसाब से इस प्लांट का शेप आएगा, एक्जेक्टली ट्रायगोनल भी नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे यहाँ के पेड़ कॉनिफरस नहीं है, यानी कौन वो क्या होता है, त्रिकोण वाले नहीं है, या सूल वाले नहीं है, या कांटेदार नहीं है उसके पत्ते, हमारे यहाँ इस तरह के ओवल शेप के पत्ते होते हैं, तो इसकी कैनोपी थोड़ी अलग बनती है इस तरीके से, और यहाँ मैं फ्रंट का डिस्कस नहीं करता, आप मेरे प्लांट को कहीं से भी देखिए, यहाँ से भी देख सकते हैं, इवन एक ट्री के शेप में आपको नजर आएगा, 2D नहीं 3D दिखेगा, आप कहीं से भी देख लीजिएगा, इसको मैं प्लेस कर दूंगा बाद में, ये पैड्स भी बनने लगे हैं, तो ये बहुत कम दिखाई देता है प्रेमना में हमारे यहाँ, तो चलिए मिलते हैं एक और प्लांट के साथ, मैं मिलता हूँ इसी टॉपिक पे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।